हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। अभी कुछ 6 बज रहे हैं सुबह के और आज जल्दी उठ गए हैं, मुंगेली में हैं। इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे आगे। एक्चुअली कल लेट हो गया था, मैं सो गया, बाकी शूट नहीं कर पाया हूँ। आज मिलाऊंगा घर अपने फैमिली से कि कौन कौन है सबसे, क्योंकि बोला तो था कि वीडियो में आगे दिखाता हूँ, बट उस समय ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया कि मैं शूट कर पाऊँ। तो मैं अभी उठा हूँ और आज का दिन भर का शेड्यूल यही है कि यही सब शूट करना है, व्लॉग बनाना है आप लोगों के लिए। तो वीडियो पे बने रहें और शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। यहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है। लाश जिंदा है? जिंदा है लाश? राम राम सीताराम। राम राम सीताराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुश रहो मेरे लाल। राम राम सीताराम। जय सीताराम। हाय। मम्मी अभी चाय बना ली है, अपना पी भी लिया है। बाकी ये भी उठ चुके हैं। ये नहीं कुछ नहीं, तू अपना आराम से, तेरे भगवान कुछ नहीं बोल सकता, हम क्या बोले कुछ घर में। बाकी मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग, बच्चे लोग, ये गुड मॉर्निंग दोनों जन को। राम राम सीताराम। अब तुम भी राम राम सीताराम। बच्चे लोग छोटे छोटे उठ गए सब के सब। बाकी दो लोग और भी मेरा आवाज सुन के उठ चुके हैं। वो देखिए, एक वहाँ है, एक वहाँ पे सो रही है नीचे जमीन में। वो देखिए उठ गए। इधर दरवाजा खुलने का वेट कर रही है, एक वहाँ पे दरवाजा खुलने। आए भाई टीटू बेटे, आजा, चलो सो जाओ, अभी सुबह हुआ है, सो जाओ, चलो सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है। ये चाय मम्मी ने मुझे बना के दिया है। एक्चुअली बना के नहीं दिया, इन्होंने आधा घंटा पहले अपना बना के पूरा निपटा लिया। बचा हुआ जो बर्तन में था उसको रिपोर्ट के मेरे एक दे दिए। ये बढ़िया था गुरु। बर्तन में थोड़ा और बचा हुआ, देखने वाले देख सकते हैं कि रिपोर्ट हुआ नहीं है। यानी दोबारा फिर मुझे दिया जाएगा। अब धूप वाले जब आएंगे तब मिलेगा, आप चाय पी सकते हैं। बता देना मैं आया हूँ। मेरे बेटे आए हुए हैं। तो दो दो किलो और एक्स्ट्रा दूध देके जाएगा। अरे वो तेरी आवाज से समझ जाता है। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो, खा लो। मजा आया। दादी पोती वहाँ पे बैठी है, वो गोबर की पोती है। जनाबा के अब्बा, फिर से सो गए थे। अभी दस बज रहे हैं सुबह के, कुछ पी रहे हैं, नाश्ता वास्ता तो कर डाले हैं। दिख वैसे भी रहे सबके सब, जैसे अभी नहाए कोई भी नहीं है। देखते हैं दिन भर क्या क्या करते हैं अभी आगे। फिर बाबू कौन है वो, कौन है वो, चाचा कौन है वो, कौन है, क्या नाम है उसका? इसका नाम नहीं रे, ये डॉल का क्या नाम है? गुड्डा। अरे लेकिन वो तो गुड्डी है। ऐसा गुड्डी है, कौन है वो, कौन है? तो बढ़ते हैं इस व्लॉग में आगे की तरफ। अब जो सेक्शन है ये मेरे और मेरे फैमिली में जो भी लोग हैं उनका इंट्रोडक्शन का है। मेरा नाम है समीर श्रीवास्तव, बेसिकली मैं मुंगेली का हूँ, जॉब करता हूँ एज अ MR। जिनको नहीं पता हो MR क्या होते हैं उनको मैं बता दूँ, हम लोग दवाई की कंपनियों में
सेल्स और मार्केटिंग का काम देखते हैं, उसको MR बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। मेरा जो हेडक्वार्टर है वो रायपुर है, मैं रायपुर में बेस्ड हूँ, इसीलिए मैक्सिमम जो वीडियोस मेरे आते हैं वो रायपुर के ही आते हैं, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ प्लस पार्ट टाइम मैं यूट्यूबर भी हूँ। बाकी रहा बात अगर मेरा क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन की, तो मैं बी फार्मेसी पास आउट हूँ दुर्ग से, और मेरा जो भी स्कूल की जो भी एजुकेशन हुआ वो मुंगेली है। मुंगेली मुझे बहुत पसंद है, नो डाउट। मुझे जब भी छुट्टी मिलता है या जब भी ऐसा लगता है कि मैं टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ, मेरे को थोड़ा रायपुर से बाहर भागना है, तो मैं सबसे पहले मुंगेली आता हूँ। छोटी सी फैमिली है, सिर्फ 4-5 लोग, 4 लोग हैं हम लोग। मैं हूँ, वाइफ है, चंचल है, मम्मी है, और हमारे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपने वीडियो में देखा है। मैं उनके साथ भी मिलाता हूँ, किसका किसका क्या नाम है, क्यों उनका ऐसा नाम रखा गया। एक्चुअली हम लोग बहुत ही ज़्यादा डॉग्स से प्यार करते हैं। डॉग्स नॉट ओनली फॉर डॉग्स, सभी एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स हो, थोड़ा सा एक हम लोगों का पोलाइटनेस है उल्लों के तरफ, थोड़ा सा झुकाव है उल्लों के तरफ, अच्छा लगता है। शुरू से स्ट्रीट डॉग को बहुत खाना खिलाते थे, ये करते थे, धीरे धीरे वो जो एक लाइकिंग रहता है वो थोड़ा सा पैशन बन गया। फिर हमने डॉग की ब्रीडिंग का भी काम किया, डॉग सेलिंग का भी काम किया। मैंने अपने लाइफ में लगभग सभी प्रकार के काम किए हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, जहाँ से मैं पैसा कमा सकूँ, कोशिश किया हूँ अपने लाइफ में कि पैसा कमा सकूँ। और तो फिर बढ़ते हैं आगे और मिलाते हैं, सबसे पहले मम्मी से, फिर वाइफ से, फिर फंगू से, फिर उसके बाद हमारे घर के बच्चों से। तो चलिए चलते हैं आगे और मिलते हैं सबसे। तो अब आप लोगों को मिलाते हैं, मैं मिलाता हूँ अपनी मम्मी से। जय सीता मैया की। हाँ, ऐसे अपने बारे में बताओ। मैं समीर श्रीवास्तव की मम्मी हूँ, मधुलता श्रीवास्तव। मैं पेशे से टीचर हूँ। कितने साल से टीचर? मैं 33 साल से टीचर हूँ। और मेरे को डॉगी से बहुत प्यार है, वो भी मेरे को समीर श्रीवास्तव ने बताया उनसे प्यार करना। उसके कहने पर मैंने पालना चालू किया। मेरे पास 9 डॉगीज थे, जिसमें से पिछले बार मेरे उनमें से 6 डॉगीज ख़त्म हुए। कोरोना के समय में शायद हमारी बलाएं उन्होंने ले ली, हमारी बीमारियां, हम सुरक्षित रहे। और अभी मेरे पास 4 हैं, उनके नाम मैं इसमें बताना चाहूँगी। टियारा, व्हाट्सअप, मैसेंजर, फेसबुक, पोगो, हम अपने बच्चों के ऐसे ही नाम हैं। वाईफाई, अभी वाईफाई ने 8 बच्चे दिए थे, उसमें से एक बच्चा बघीरा बचा हुआ है, हम उसे प्यार से बुगू जी बोलते हैं। चलिए आपको मिलाते हैं अपनी धर्म पत्नी से, ये हैं जिन्होंने मेरे ऊपर अधर्म किया हुआ है। बताइए अपने बारे में कुछ, लोग कितना प्रताड़ित करते हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन छत्तीसगढ़ में। मेरा नाम सुरुचि श्रीवास्तव है और हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं, और मैंने BSc नर्सिंग किया हुआ है। इससे पहले मैं जॉब करती थी, फिलहाल अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ कुछ रीज़न के कारण। और वैसे मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब पे, ब्लॉगर श्रीमती के नाम से, तो प्लीज़ मेरे भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके देख लीजिएगा जाके। थैंक यू। अपना प्रमोशन कर रहे हैं यार। जी, क्योंकि करना पड़ता है प्रमोशन भी। मेरा भी चैनल है ब्लॉगर श्रीमती के नाम से, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, प्लीज़ जाके मेरा चैनल ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कर दें। ये भी बता के रखिए ना अपनी सास को और उसके बेटे को कैसे प्रताड़ित। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मज़ा आया? नहीं, मैं किसी को प्रताड़ित नहीं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन यहाँ रहना। और किसी को प्रताड़ित, मेरे पति हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग कभी प्रताड़ित नहीं करते हैं उनको। जेल करवा दे, दहेज प्रताड़ना होता है। समझ रहे हो आप? वैसा प्रताड़ित नहीं करते हैं, मैंने ये नहीं बोला प्रताड़ित मतलब दहेज प्रताड़ना नहीं होता हमेशा हर चीज, ठीक है। यहाँ सिर्फ 2 ही लोग लड़ सकते हैं, एक मेरी चंचल और मेरे पति, और कोई किसी और को यहाँ लड़ने का कोई हक नहीं है। वैसे उसका नाम चंचल नहीं, फंगू रखा गया आधार कार्ड के तहत। नहीं, उनका नाम चंचल श्रीवास्तव है, सिर्फ 2 ही लोग यहाँ इस घर में लड़ते हैं, वो भी मेरे पति या चंचल, और कोई नहीं लड़ सकता, बस। अगर हम आगे की बात करें, अगर हमारी फैमिली मेंबर कोई है जो हमारे यहाँ की दादी अम्मा है, जिसको हम लोग प्यार से फंगू बोलते हैं, फंगू द ग्रेट, बहुत ही साइंटिफिक नाम है, लोग ग्रह नक्षत्र देख के नाम रखते हैं, हमने पूरा फंगू देख के इसका नाम फंगू रखा है। तो हम आने वाले टाइम में आधार कार्ड में भी लिंक कराएंगे इसके नाम को। बताइए अपने बारे में कुछ लोगों को।
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम चंचल श्रीवास्तव है, पंगू वंगू ऐसा कोई नाम नहीं है, ये गरीब मेरे ही घर में रहता है। इंजीनियरिंग की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अभी मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये जो फिजूल के जो नाम मुझे देता है, ऐसा कोई नाम मेरा है नहीं, ये गरीब मेरे ही घर में रहता है, नेम प्लेट मेरे ही नाम पे है, इसको पाले हुए हैं हम लोग। हमारे घर का छोटा बच्चा है, जैसे मेरी मम्मी ने बताया, हमने बहुत सारे डॉगीज पाले, उनमें से एक है सबसे बड़ा वाला ये। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो नेम प्लेट लगा है दर-दर साउंड चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने आधार कार्ड हर जगह पे उसे ऐड करा लिया है। नहीं, वो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे लोगों की बात कोई क्यों सुनेगा। सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर सब्जेक्ट से किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी नहीं मिलती, उसमें इतने 4 लाख रुपए डुबाया है। 4 लाख मैंने डुबाया नहीं है पहली बात, और ये पता नहीं कैसे मुझ पे इतने सारे उधारी चढ़ा दिया, 1 रुपए मुझे कभी दिया नहीं इसने, सिर्फ हिसाब किताब रख रहा है। अभी अगर मैं अपने अकाउंट डिटेल्स भी खोलूंगी तो बहुत कर्ज में है मेरे ये लड़का, तो ऐसी किसी भी फिजूल की बातों पर ध्यान ना दिया जाए। अगर आपकी नजर में कोई लाला लड़का हो श्रीवास्तव जो मुझे मेरा 4 लाख रुपए वापस दे सकता है एज अ दहेज, तो मैं कल के कल इनका शादी करवा भेज दूंगा। और सच्चाई ये है कि इसे एक भी पैसा फुटी कौड़ी वापस नहीं होगी। जब मैं नहीं दूंगी तो मेरा वाला क्या देगा इसे, इसलिए मेरी शादी नहीं करेगा। मुझे लगता है घर में बाई बना के भी रख सकता है। हाँ, कम से कम तो अपना पैसा ऐसी वसूला जाएगा। अजीत, तेरा प्यून का नौकरी लग जाएगा तो उससे भी पैसा हमको मिलेगा ना। हाँ, ये उसमें भी अपनी रिश्वत देख लेगा, इतना बदतमीज किस्म का है। ठीक है, राम राम सीताराम।